इस मंदिर में लगभग 150 साल से चल रहा है अखंड धूना। यहाँ 5 जीवित साधुओं ने ली थी समाधि। 5 पीपल के रूप में आज भी हैं विराजमान। पीपल को काटने से शाखाओं से निकलने लगता है खून। यहाँ स्थित पवित्र धूने की विभूति से सांप का काटा इंसान हो जाता है विषमुक्त। जिला भले ही हिमाचल प्रदेश का सबसे सुगम क्षेत्र प्रतीत हो, परंतु धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ये राज्य का सबसे वैविध्यपूर्ण जिला है। ऐसे में उत्तर भारत में एक विशेष स्थान ब्रह्मचार्याश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद है, जो देवभूमि हिमाचल के शहर ऊना में स्थापित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा स्थान है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इवन विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वर्तमान में इस पावन गद्दी पर अनंत श्री विभूषित 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज विराजमान हैं। आइए इस पवित्र धाम के आपको भी दर्शन करवाते हैं। आश्रम परिसर से 150 वर्षों से अधिक समय से अग्निदेव अबाध गति से अखंड धूना के रूप में निरंतर प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी प्रतिदिन न केवल विधिवत पूजा होती है बल्कि प्रातः साय मंत्रमय हवन भी होता है। कहा जाता है कि इस अखंड धूना की विभूति को मस्तक पर धारण किया जाता है और लाइलाज रोगों का निवारण हेतु औषध रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि एक बार जहां इलाके में बड़ा घोर अकाल पड़ गया और उस समय जो है ऐसी स्थिति हो गई कि पशुओं के लिए चारा नहीं और लोगों को भी भोजन के लिए जो है बड़ी मुसीबत सी आन पड़ी, तो कहते हैं कि सभी इलाके के लोग जो है जहां इकट्ठे हुए और उन्हें आकर के बाबा रुद्रनंद महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप कुछ कीजिए ताकि वर्षा हो जाए और जहां जो है अनाज पैदा हो। तो उसी समय कहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि आइए हम सब जो है मिल करके जो है अरदास करते हैं उस परमपिता परमात्मा को, उस नारायण को। तो कहते हैं ऐसा ही हुआ, सभी ने मिल करके जो है प्रार्थना की। कहते हैं बहुत बड़ी बारिश हुई और दूसरे दिन जो है लोगों के पास जो कुछ भी था तिल फूल वो लेकर के जहां आए, तो उसी दिन से जहां जो है अखंड जो है लंगर जो है वो स्थापित हो गया और उसी समय से जो है ये अखंड धूना शुरू हो गया। अभी अखंड धूना तो इतना पावन हो चुका है, इसकी प्रभुति जो है बड़े असाध्य रोगों को भी दूर करती है। आइए आपको दिखाते हैं, इस आश्रम परिसर में पीपल के 5 संपृक्त वृक्ष हैं। प्रचलित जनप्रवाद के अनुसार 15वीं शताब्दी में महात्मा भवानी गिरी ने अपने 4 शिष्यों सहित कलयुग के भयवश अपनी योग विद्या द्वारा जीवित समाधि लेकर पीपल के इन 5 वृक्षों का रूप धारण कर लिया था। इस वृक्ष को लेकर लोगों का विश्वास है कि सांप के काटे किसी भी व्यक्ति को अखंड धूने की विभूति खिलाने के बाद अगर उसे इन बोधि वृक्षों के नीचे लिटाया जाए तो वो विष मुक्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो प्रश्न आपने पूछा है कि ये पीपल का पेड़ जो है जहाँ आकर के जो दिमागी हालत से पीड़ित है तथा जो सांप काटे हुए लोग यहाँ आते हैं उनका जहाँ उपचार किया जाता है। वर्ष 1857 में डेरा के आदि गुरु बाबा रुद्रनंद जी महाराज ने सदावृत लंगर का शुभारंभ किया। इस धाम में भक्तों को 24 घंटे लंगर खिलाया जाता है। आधी रात्रि को भी धाम में आए श्रद्धालुओं के लिए लंगर का प्रबंध होता है। यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए सराय भी बनी हुई है। इस पवित्र धाम में गौशाला भी है, जो बाबा आत्मानंद जी महाराज द्वारा वर्ष 1905 में स्थापित की गई है। इस गौशाला में 150 के करीब गायें हैं, जिनका दूध आश्रम में प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही वर्ष 1905 में ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई
जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी संस्कृत और वेद की शिक्षा ग्रहण करते हैं। नारी गांव में स्थित इस आश्रम के अतिरिक्त तीन और शाखाएं भी हैं। पहली शाखा ऊना जिला के गांव अमलेहड़ में स्थित है, दूसरी शाखा हरिद्वार में सप्त सरोवर में और तीसरी शाखा मान सरोवर गार्डन रमेश नगर दिल्ली में स्थित है। इन सभी स्थानों पर भक्तों के लिए खाने एवं ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।